हेलो एवरीबॉडी, प्लस टू के निशुल्क क्लास में आपका स्वागत है। ये फ्री क्लासेज इसलिए दी जा रही है ताकि यहाँ के भी कुछ बच्चे जो छूट जाते हैं वो रिवीजन कर सकें, और दूर के बच्चे जो ललायित हैं और पैसे नहीं हैं, गरीब बच्चे हैं, दूर हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हमने एप्लीकेशंस पर मैं अभी रोक दिया है। सिर्फ एप्लीकेशंस पर मैं हम क्रैश कोर्स देने की योजना बना रहे हैं, बाकी इसमें धीरे धीरे फ्री की जा रही है ताकि आप कुछ लाभ उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आपके पीडीएफ की तो 199 रुपये का आप मोबाइल पर में हमें डिमांड करेंगे और अगले सप्ताह में इलेक्शन बाद आपका लागू हो जाएगा। धन्यवाद। तो हम लेते हैं, पहली क्लास हमने ग्रामर में लिया था, इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग, आर्टिकल्स क्या है, कितने प्रकार का होता है, और एन का प्रयोग हमने बताया था। एन का प्रयोग बड़ी सिंपल है, एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता हुआ आप जानते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण यदि किसी स्वर ध्वनि अ आ ए ए ओ ओ ए ऐ ओ औ से मिलता रहे तो बाउल साउंड वाले में यानी स्वर ध्वनि वाले में हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। यदि वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण कंसोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि क ख ग च छ ज पफ व यरलव वगैरह वगैरह से मिले तो ये समझो कंसोनेंट साउंड है, और कंसोनेंट साउंड में हम लोग सिर्फ ए का प्रयोग करेंगे। मैंने इसका एक्सेप्शन कोई बताया था, डब्ल्यू और वाई सेमी बबल होता है, इसीलिए ओमेन नहीं पढ़ेगा, बुमन ए बुमन, और वाई आर ईयर इसे उच्चारण होता भी है तो भी मैंने बताया था ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो शुरू में जब आता है तो कॉन्सोनेंट का रोल करता है। तो अपवाद तो अपवाद हैं, बाकी पर विवाद नहीं है। आइए आज हम लोग कुछ विशेष चलते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एन का थोड़ा सा उच्चारण भी, और कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ क्वांटिटी को बताने के लिए भी यूज होता है, यानी अनकंटेबल होते भी कहाँ कहाँ यूज होते हैं। बहुवचन में एन का प्रयोग नहीं करना, अनकंटेबल साधारणता नहीं लगते, कुछ ऐसे अनकंटेबल एक्सप्रेशंस वाले हैं जिसमें एन का प्रयोग होता है, इसलिए उन शब्दों को परखें, उस पर क्वेश्चंस बनाएं, और साथ ही एन से मिक्सअप हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएंगे। ये प्रैक्टिस पेपर भी आपको करना जरूरी है। आते हैं, लेते हैं हम लोग प्रोनंसिएशन। एक तो इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना, प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन का मतलब उच्चारण, प्रोनंसिएशन एक संज्ञा रूप है जिसका मतलब उच्चारण होता है, और प्री आर ओ एन ओ यून सी प्रोनाउंस क्रिया रूप है, भाव रूप है, वर्ब फॉर्म है जिसका मतलब उच्चारण करना। लोग अक्सर क्या करते हैं, वर्ब को नाउन फॉर्म से मिला करके और मिक्सअप करके नया शब्द बना देते हैं प्रोनाउंसिएशन, जो गलत है। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, ये उच्चारण एन का हम लोग सीख रहे हैं। ए जनरली प्रोनाउंस्ड लाइक हिंदी अ, हिंदी के अ की तरह साधारणतः हम लोग इसका यूज करते हैं वीक साउंड में। दो तरह के साउंड होते हैं, एक वीक साउंड एक स्ट्रांग साउंड। तो जब कभी हम लोग व्हेनेवर वी टॉक टू एनीबॉडी एंड वी यूज ओनली वीक साउंड, देन वी शुड यूज अ अ फॉर ए, है ना। और हम ए के लिए लगाते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए हमने कहा कि मेरी मुलाकात एक लड़की से सड़क पर हुई, आई मेट अ गर्ल ऑन द रोड। मैंने एक लड़का को देखा, आई सॉ अ बॉय। एक बिल्ली है, देयर इज अ कैट। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। और हमने उच्चारण किया, लेकिन ये गलत नहीं है, ये हम बोल सकते हैं। यदि थोड़ा सा हमें स्ट्रांग साउंड बनाकर देते हैं तो हम कह सकते हैं ए इज प्रोनाउंस्ड फोर्सिवली लाइक हिंदी ए। ए का फोर्सिवली जब उच्चारण करेंगे हिंदी के ए की तरह, जैसे ए पेन, ए बुक, ए मैन, ए फैन, इस तरह से। गलत नहीं है, लेकिन अक्सर अपने लोग बिहार में हर वक्त ए बोलते हैं तो पता नहीं चलता है स्ट्रांग साउंड ही हरदम बोलते हैं कि वीक साउंड भी बोलते हैं। मेरे बच्चे, आप स्ट्रांग साउंड में बोलें तो ए बोलें, और जब भी आप वीक साउंड में बोलें, कमजोर साउंड में बोलें, धीमी गति में बोलें, तो ए का प्रयोग अ की तरह करें। आइए, तो हम लोग साधारणतः ए का उच्चारण अ की तरह करते हैं, जैसे अ पैन, अ गर्ल, अ मैन, अ बल्ब, इसको वीक साउंड कहते हैं। बट इट इज प्रोनाउंस फोर्सिबली लाइक हिंदी ए, स्ट्रॉन्ग साउंड में करना हो तो उसी को हम ए बोल सकते हैं। ठीक इसी तरह अन इज यूज्ड, जनरली यूज्ड या प्रोनाउंस्ड लाइक हिंदी अन, बट इट इज प्रोनाउंस्ड लाइक हिंदी एन व्हेन वी यूज फोर्सिबली, जब इसको हम फोर्सिबली करते हैं और इन स्ट्रॉन्ग साउंड में करते हैं तब।
इसका मतलब एन इज जनरली प्रोनाउंस्ड लाइक हिंदी अन, जैसे अन ऑरेंज, अन इंक पॉट, अन एप्पल, देख रहे हो ना अन। अन क्यों हुआ? हम लोग स्ट्रॉन्ग साउंड नहीं बनाए हैं, तब जब जोर देख करके बोलना हो एन इंक पॉट, एन ऑरेंज गलत नहीं है, लेकिन उच्चारण वीक साउंड कर रहे हैं अन की तरह, और जब इसको भी हम लोग जोर देंगे तो एन की तरह बोलेंगे। अब आइए निम्नलिखित एक्सप्रेशंस में भी एन का प्रयोग होता है, जैसे इन ए हरी, इन ए हरी, हरी गिनती नहीं करते हो लेकिन हम लोग एक्सप्रेशंस के तौर पर करते हैं जल्दीबाजी में, इन ए हरी, तो हम लोग कहते हैं आप जल्दीबाजी में हो, यू आर इन ए हरी, इन ए हरी, ए का प्रयोग अनकंट्रोल में भी, गो फॉर ए पिकनिक, वनभोज पर जाना, इन ए टेम्पर, गुस्सा में हो जाना, जिसको सर यू आर इन ए टेम्पर, आप गुस्से में हैं, या यू आर इन ए रेज, आप गुस्से में हैं, यू आर इन ए मूड, आप मूल में मूड में हैं, जो कहते हैं बड़ा मूड में लग रहे हो, या रोमांटिक मूड में हो, यू आर इन ए रोमांटिक मूड, कूल मूड, हॉट मूड, जो भी मूड हो इसमें ए का प्रयोग हम लोग करते हैं, इन ए रेज, इन ए मूड। गो फॉर ए वॉक, सैर पर जाना। अब कहोगे वॉक तो क्रिया है सर, वॉक का प्रयोग जब सब्जेक्ट के बाद किया जाता है तो क्रिया के रूप में होती है, लेकिन जब हम गो क्रिया लगाए, गो का वेंट भी होगा, गोइंग भी होगा, और इसके फोर लगा कर प्रीपोजिशन का नाउन का रूप देते हैं, ए वॉक होता है, इसलिए कभी कभी कहते हैं गो फॉर ए वॉक, सुबह की सैर पर जाना, आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, या सुबह की सैर पर मैं जाता हूँ, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर पर जाना, फॉर एन इवनिंग वॉक, शाम की सैर पर जाना। तो अंडर एन ऑब्लिगेशन, हैव ए कोल्ड या कैच ए कोल्ड, ठंडा लगना, ऑन ए जर्नी, ऑन ए ट्रिप, यात्रा पर होना, फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, कीप ए प्रॉमिस, वादा को रखना, निभाना, एन अपॉइंटमेंट, हैव ए हेडेक, अब देखो हेडेक, हेडेक में सिर दर्द होता है, परंतु इसमें भी एक का प्रयोग हुआ, अनकंटेबल होते भी सिरदर्द को गिनते नहीं है, बट कहोगे मुझे सिरदर्द है, आई हैव अ हेडेक, ये याद करना है, ये सबका हिंदी में रूपांतरण करके हम इसको करवाएंगे प्रयोग में, तब तक एक बार लिस्ट को देखो, मेक अ डिसीजन, है ना, कोई निर्णय लेना, मेक एन एक्सक्यूज, बहाना बनाना, मेक ए नॉइज, हल्ला करना, टेल ए लाई, झूठ बोलना, मेक ए मिस्टेक, गलती करना, मेक अ मिस्टेक के जगह पर कमिट ए मिस्टेक, या कमिट ए ब्लंडर, मेक ए ब्लंडर, ये अनकंटेबल होती हुई एक का प्रयोग लेते हैं, जैसे टेल ए लाई, झूठ बोलना, झूठ को गिनते न हो, ए लाई, मेक एन वाइज, हल्ला करना, हल्ला गिन नहीं रहो फिर भी लगा रहो, इन एक्सप्रेशंस को याद करने के साथ कुछ और भी नंबर या क्वांटिटी बताने के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने कहा है लॉट ऑफ, मैंने बहुत, प्रचुर, ए प्लेंटी, ए ग्रेट मैनी ऑफ, बहुत बड़ी संख्या, ए ग्रेट डील ऑफ, बहुत बड़ी मात्रा, ए फ्यू कुछ, ए गुड मैनी, बहुत बड़ी संख्या, ए नंबर ऑफ की संख्या, ए लिटिल मैंने थोड़ा, ये सब में भी एक का प्रयोग हुआ, अतः अनकंटेबल में अक्सर एक्सप्रेशंस में लग रहे हैं या मात्रा बताने वाले शब्दों में लग रहे हैं, नंबर बताने वाले शब्दों में लग रहे हैं, परंतु हर वक्त नहीं लग रहे हैं, ध्यान देना है, वाटर अनकंटेबल वहाँ नहीं लगेगा, गिव मी ए वाटर नाउ, प्राय अनकंटेबल में नहीं लगेगा, है ना, जैसे कहोगे लव इज ब्लाइंड, ए लव इज ब्लाइंड नहीं, कहोगे दिस इज गोल्ड, दिस इज ए गोल्ड नहीं, प्राय अनकंटेबल मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं लगते हैं, परंतु कुछ एक्सप्रेशंस है जिसमें आपने देखा कि एन का प्रयोग हुआ है। अब आइए इसी पर थोड़ा ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, आई हैव हेडेक, यहाँ हेडेक जानते हैं अनकंटेबल होते भी एक का प्रयोग ले रहा है, कारण एक्सप्रेशन में आता है कि मुझे सिर दर्द है, अब सिर दर्द है तो दर्द है, होने दीजिए, इसको ए हेडेक लगाइए, द हेडेक नहीं। आगे डोंट टेल अ लाई, झूठ बोलना, टेल अ लाई, अब अनकंटेबल है लाई फिर भी आप देते हो, अतः मेरे बच्चे आप हाईलाइट कर लो ए को। डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला करना, ये अभी तो बताया है चार्ट में, चार्ट लो इंडिया, ही नेवर कमिट्स अ मिस्टेक, वो गलती कभी नहीं करता, अनकंटेबल हो तो इसलिए उस चैन को रटो, उसका हिंदी रूपांतरण ट्रांसलेशन भी बताएगा हम, है ना। डोंट कमिट अ ब्लंडर या कमिट अ मिस्टेक, एस को भी हाईलाइट करो ए। गो फॉर अ वॉक, सुबह की सैर पर जाना, या गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर पर जाना सीधे वॉक, सैर पर जाना। एन इवनिंग वॉक, शाम की से इवनिंग, ई से उच्चारण होता है, इसका मतलब है हम लोग साउंड पर में एन करेंगे, साउंडे पर लग रहा है, लेकिन अनकंटेबल कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जहां लग रहे हैं। डू हैव अ फियर ऑफ ए स्नेक, ए फियर ऑफ ए स्नेक माने सांपों का डर, ए फियर। ही वेंट फॉर अ वॉक, वह सैर पर चला गया, गो का ही वेंट होता है।
आंसर इसमें भी ए ही लगेगा। विशेष रूप से एक्सप्रेशन पर ध्यान दें जो ऊपर दिए थे, अब कुछ प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस सेट नंबर वन, ही इज डॉक्टर। जब कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, खास है कॉमन हो, कलेक्टिव हो, मेटेरियल अवस्ट्रक्ट रेयर केस में एक्सप्रेशन में लगे हैं, तो उसमें सिंगुलर होने पर हम उसका उच्चारण करेंगे। उच्चारण का पहला हिंदी के अक्षर से ओ आ ए ए ओ ओ ए आई ओ मिले, अंगा मिले, तो अब समझ जाइए अ से औ तक एन लगेगा। डॉक्टर डॉ से हो रहा है, इसलिए हम लोग आराम से ए डॉक्टर कहेंगे। देख रहे हैं ना, हाईलाइटेड हो गया, रंग बदल गया। अब ही इज अ डॉक्टर एंड 10,000 रुपीज, वह एक डॉक्टर है और 10,000 रुपये कमाता। कमाने की बात अलग है, लेकिन डॉक्टर सिंगुलर है, अतः हम यहाँ पर डॉक्टर में मारे हैं। यदि यहाँ पर इंजीनियर होता, ई से एन लगाते, तो झटाझट हो रहा है। इसका मतलब मोबाइल का यूज वर्जित कर दिए। हम लाइव सेशन में सिर्फ टेस्ट लेंगे, तो उसमें डिस्कशन होगी। आपका समय भी बचेगा, एनर्जी बचेगी, डेटा का खर्च बचेगा। ले लो इंडिया, दे दो इंडिया, चलो। श्रीलंका इज एन आइलैंड। श्रीलंका एक द्वीप है। अब इजलैंड भी तुम गलत से बोल देते हो, लेकिन आइलैंड उसका शुद्ध उच्चारण है। ई से बोलता तो भी एन, आ से बोल रहा तो भी एन, देखते रहना मेरे बबलू। माय फ्रेंड इज पुअर, मेरा दोस्त गरीब है तो नहीं लगता, क्योंकि विशेषण के पहले आर्टिकल का प्रयोग तब नहीं होता है जब उसके बाद नाउन न हो। लेकिन यहाँ नाउन है मैन, पर्सन कोई भी है। ही इज अ पुअर मैन, पुआ बताए थे उच्चारण में, पी डबल आर, पुआ बोलना है, पुअर नहीं, राइट ना, पुअर पॉश हो रहा है, ए पुअर मैन। ही ड्रिंक्स ग्लास ऑफ वाटर। सर ऑफ वाले में तो अक्सर दौ लगता है, वो जहां जहां अनकंटेबल है, मेटेरियल है, जहां नहीं लगती आर्टिकल वहां दौ, लेकिन जब भी ऑफ के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, ग्लास की गिनती करें। और ग्लास एक है, एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी, एक कप ऑफ टी, एक कप चाय, एक कप ऑफ टी तुमने दी मैंने पी, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक ग्लास ऑफ वाटर। राजू इज यंग। यंग एक विशेषण है, लेकिन आगे नाउन है, उच्चारण इसी का होगा, बगल वाले की। यंग यौ से हो रहा है, जो यौ से हो रहा है ओ आई यंग नहीं है, एन हम नहीं लगाएगा, ए लगाएगा। ही बाउट वन वे टिकट। अब कहोगे वन, देखो वो न वन, वो आता है, बताए थे पहला दिन, पहले दिन बोला क्लास को करो वो। इन जो बॉबल ए ई आई ओ यू देख रहे हैं तो मार रहे हैं, बाकी में कॉन्सोनेंट वाले में ए गलत हो जाएगा बहुत सारा। नो नॉलेज विराट कॉलेज एडवांस हो गया ना, फिर टीचर कहेंगे ये लिखो अल्फ़ाबेट, यदि यू से शुरू हो है ना, और य की तरह उच्चारण हो, अ की तरह नहीं हो तो ए लगेगा। ई से शुरू हो और ई की तरह उच्चारण ना हो, यू से य से होगा तो फिर आप ए लगेगा, जैसे यूनिवर्सिटी, यूरेशियन। तो आपको साउंड पर ही बेहतर है, आगे चलो। अब वन व से है तो क्या कहेंगे, ए वन वे टिकट। तो वन तो सर एक खुद ही होता है, इसमें क्यों लगा, ये लगा अगले नाउन के लिए, एक बॉल के रास्ते का एगो टिकट। ही इज अ फॉरेस्ट ऑफिसर। फॉरेस्ट फॉ से हो रहा है और वह सिंगुलर व्यक्ति है, सिंगुलर का एक ही पद होता है, अतः ही इज अ फॉरेस्ट ऑफिसर। यही फॉरेस्ट ऑफिसर का एफ फोर रहता है शॉर्ट फॉर्म में, एफ ए एफ एफ लिखते हैं, एफ का पहला लेटर ए से है, एन लगता, इन्हें फुल फॉर्म में है। मेरे बच्चे 9 नंबर क्वेश्चन में देखो, एफ ओ एस डी ओ, ये सब एफ ओ ए एफ एफ एन एफ ओ, एक फॉरेस्ट ऑफिसर, एन आई एफ ओ इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर, आई ए एस एस टी ओ, सब ए से उच्चारण हो रहा है। हे इज एन एन सी सी, एन कैसे लिखते हो, ए न एन, जैसे कि मैं बताऊं, बहुत दूर आना नहीं, छोड़ के जाना नहीं, एन सी सी। आप इस कंसोनेंट को मत देखो, एन का पहला लेटर क्या है, ए और आ ए ए ओ ओ ए, 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 टकरा रहा ना, टकरा रहा तो एन मारोगे, ठीक ना। तो हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं इसी को, चलो। दिस इज ऑलरेडी, हमने बताया था आवर में एच साइलेंट है, अनेस्ट में एच साइलेंट है, अनरेबल में है, ऑलरेडी में है, एच ई आर एर एर मैंने उत्तराधिकारी में है। ये सब जो एच साइलेंट है तो हॉ का उच्चारण हो नहीं रहा है, छुप जाता है, साइलेंट है। आवा आवरली देखते हो ना, अनेस्ट अनरेबल ऑलरेडी एर ओ आ की तरह उच्चारण हो, इसलिए हम लोग क्या मारते हैं एन, चूंकि आगे सिंगुलर नाउन है, ऑलरेडी जॉब, सम्मानित जॉब। दिस इज वन, फिर वही वन, वन वॉश से लिखते हैं, वॉ योर अलावा वॉ। वन साइडेड गेम, आगे नाउन सिंगुलर है, इसलिए वन साइडेड एक तरफा खेल,
इसको एक एक तरफा खेल, वन साइडेड अफेयर, एक एक तरफा मामला, ए वन वे टिकट, एक बल के रास्ते का टिकट, ए वन रुपी नोट, एक रुपया का एगो नोट, ए 10 रुपी नोट, 10 रुपया का एगो नोट, इस तरह से हम लोग करते हैं आगे जो नाउन है उसके लिए। तो यहाँ वन वॉश हो रहा है, अब मारो। द काउ इज एनिमल, एनिमल का उच्चारण ए से हो रहा है, अथवा अंग से लेकर एन तक मिल रहा है, आप देखोगे एन एनिमल। सच, फाइन, फाइन तो सच सुंदर विशेषण है, इन आगे नाउन है, सच के साथ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, तो एन का प्रयोग होता है मेरे लालू, अतः सच ए फाइन फ्लावर, ऐसा है ना, सुंदर फूल। यूर अनरेबल अनेस्ट समय साइलेंट, अनरेबल आ से हो रहा, अतः एन अनरेबल, एन अनेस्ट आगे नाउन है। आई रिसीव्ड एन अर्जेंट, अर्जेंट ऑ से हो रहा, एन अर्जेंट। आई गो टू जयपुर वंस ईयर, वाई ईयर ईयर, क्योंकि ये तो ई से उच्चारण है, यहाँ बाद है, वाई सेमी बवल है, डब्ल्यू सेमी बवल है, अतः शुरू मात्रा कॉन्सोनेंट की तरह माना जाता है, ये अपवाद है इस ईयर को, वाई ई आर ईयर रहता कान एन ईयर, और टू ईयर से तो नो आर्टिकल, एक से अधिक हो गया तो एन कहाँ, तो यहाँ पर ईयर अपवाद है ईयर। जयपुर वेरी फाइन सिटी, वेरी का उच्चारण होगा लेकिन आगे नाउन है, अतः वेरी वॉश से हो रहा, अ वेरी फाइन सिटी। हेज आरफन, आरफन अनाथ, अनाथ बॉय है, वह एक अनाथ लड़का है, अनाथ अवश्य हो रहा है, ऑर्फन अवश्य हो रहा है, ओआ वाले में एन लगेगा, एन ऑर्फन बॉय। मिस्टर स्मिथ इज एयर, ये हेयर नहीं है, एच आर हेयर मतलब बाल नहीं, एच आर एयर होता है, एयर का मतलब उत्तराधिकारी, और सी इज एन एयरेस, वह उत्तराधिकारी है, फीमेल के लिए यूज होता है, उत्तराधिकारी का मतलब उस पर, उस पद पर आने वाला अगला कोई, जिससे एक राजा का बेटा फिर राजा होगा उस पद पर आएगा, वो एयर हो गया, तो उस एयर के लिए ए से उच्चारण है, अतः ओ आई बोला में आप एन लगाओ। इंग्लिश इज इजी, इजी विशेषण है, सब्जेक्ट अन इजी सब्जेक्ट, मेरे बच्चे ये ऐप है, लेकिन ऐप पर मैं भी डाउनलोड नहीं करना, पैसे लग जाते हैं, क्रैश कोर्स ही हम देंगे, अभी कोर्स जो आदमी भेज दिए हो एक तो धोखा से, उनके पैसे आप बातचीत कर लेना, रिफंड हो जाएगा, घबराना नहीं, इसमें फ्री क्लास करो तब तक, और फिर मैंने क्रैश कोर्स भी हो सकता है, कहीं फ्री कर दें या उस पर दें, तो उस पर मैं आराम से करो, मात्र 199 रुपये आपको लगेंगे, PDF चार्ज और कुछ नहीं। तो YouTube पर मैं आप ए कुमार सर सर्च करके देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बढ़ाइए, बेस्ट ऑफ लक। फिर हम लोग ईजी, ईजी क्या हो गया, एन ईजी, देख रहे हैं ना, एन ईजी। चलिए, थैंक यू, जय बिहार, जय भारत।